अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मैंने क्वेश्चन करना था कि शादी से पहले मुझे डर नहीं लगता था, करीब लेकिन करो बेटा, करीब करो। तकरीबन 1 साल हो गया मेरी शादी को, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। मेरे मतलब रूम के बाहर मैं निकलती हूँ रात को, तो आवाज़ आती जैसे मुझे कोई बुला रहा है, मोमना। नाम लेता जी, मोमिना। औरत है मर्द है? कभी औरत भी नज़र आती है, आवाज़ मुझे मर्द की आती है। आप क्या आते हैं जी? ख्वाब क्या आते हैं आपको? ख्वाब में मुझे ऐसे लगता है जानवर मेरे साथ, जो भैंस वगैरह ये सारे, कुत्ता भी आता है, ये मुझसे बातें करते हैं। अच्छा, और अभी मैं वाशरूम में जाती हूँ तो मैं डरती हूँ ना, आईने की तरफ नहीं देखती, दुआ पढ़ती हूँ जैसे मेरे साथ कोई चीज़ है। मैं आपको एक नसीहत करूँ सबको? जी जी। वाशरूम में जो आईना लगा होता है ना, उसको कोशिश करें मत देखा करें। जी मैं नहीं देखती हूँ, मैं उस साइड पे देखती भी नहीं हूँ। ज्यादा शीशा देखने से भी ये बीमारियां लग जाती हैं। बस इसको देखने से पहले दुआ याद करें, अल्लाहुम्मा कमा हसन तखल के फा हसन खुल के, ये पढ़ के शीशा उतना देखें जितना ज़रूरत है। है जी, उन सुर्खी पाउडर लाना, दो दो कैंडल शीशे देखे खिलोते रहना है, तो फिर भी वो शक्ल बिगाड़ के रख देता है। मेरे कपड़ों पे ज़ाफ़रान। सुनो ना बेटा, तुमने शादी से पहले अपनी शादी देखी ख्वाब में? जी देखी थी। देखी थी ना, अल्लाह तुझ पर रहम करे। तूने मुमतहना पढ़नी सूरा सुबह शाम, सूरा मुमतहना, ठीक है जी। और डर लगता है तो आपने वो दुआ है, एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को बताई थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, औज़ बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन ग़ज़बी व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमज़ाति शैतानी व यहज़रून। ये सारे खौफों का इलाज है। अच्छा। ये जिसको खौफ की बीमारी लग जाए वो ये दुआ पढ़नी शुरू करे, अल्लाह उसे शिफा दे देते हैं। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा, और बताया भी किसको? जिसको आपने ख़ुद खिताब दिया, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। हैं, ये बीमारी किसी को भी लग सकती है। वो सफ़ेद कपड़े पहने, नमक कम कर दे, तो बिल्कुल ये बीमारी ख़त्म हो